बहुत अच्छे व्यूज हमारे बहन भाइयों के आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गया है। कोई अच्छा, आज का सेशन इतना अच्छा था कि कोई प्रश्न ही नहीं है, कुछ सब अच्छे से समझ में आ गया। ये भी एक बहुत अच्छी, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। एक क्वेश्चन आ रहा है, कितने महीने से बात बच्चे से बात कर सकते हैं? तो हाँ जी, इसका, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग के 3 मंथ्स, वैसे तो प्लानिंग के 3 मंथ से, मतलब बिफोर, जब आप कंसीव करें उसके पहले से भी आप बच्चे से बात करना शुरू कीजिए तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ऐसे अगर कंसीव कर चुके हैं तो 14वें दिन से आप बात करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि गर्भधारण के कुछ बहुत दिनों बाद ही बच्चे के कान बन जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। पर्टिकुलर टाइम गर्भ संस्कार दूसरी बार कर से, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और पर्टिकुलर टाइम पे बात, आपको बहुत सारे संवाद के तरीके बताए गए हैं, तो उसमें कुछ संवाद, जैसा कि कहानी अगर आप पर्टिकुलर टाइम में सुनाते हैं तो 21 दिन बाद बच्चा आपको खुद ही मोमेंट्स दे के बोलेगा कि मम्मा स्टोरी सुनाइए, ऐसा। तो ये कुछ एक संवाद ऐसे हैं जो जब आप फ्री होंगे तभी कर पाएंगे, और कुछ संवाद ऐसे हैं जो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो आप सवेरे के समय लगा सकते हैं, भोजन बनाते समय मंत्र लगा सकते हैं या संस्कृत के श्लोक लगा सकते हैं या भजन लगा सकते हैं, उससे आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा और मंत्रों का बहुत अच्छा प्रभाव आपके भोजन में जाएगा और आपका शिशु भी वो चीजें सुनते रहेगा। तो इस प्रकार अलग अलग समय में आप संवाद कर सकते हैं। गर्भ संवाद से पहले ध्यान लगाना चाहिए क्या? हाँ, जो ध्यान द्वारा संवाद है वो मैंने आपको बताया था कि सुबह उठकर आप अगर सूर्य का ध्यान करते हुए पहले 24 बार गायत्री मंत्र बोले तो वो जो गायत्री मंत्र की ऊर्जा है वो भी आपको मिलेगी और ध्यान की ऊर्जा भी आपको मिलेगी। मतलब उगते सूरज की किरणों को अपने गर्भ में प्रवेश करता हुआ इमेजिन करना है आपको, और इस प्रकार जब आप संवाद करते हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। रात में सोते टाइम किस तरह के संगीत सुनना चाहिए? डेफिनेटली अगर डीसी म्यूजिक सुनेंगे तो नींद उड़ जाएगी और बच्चा भी परेशान हो जाएगा, तो आप सॉफ्ट टाइप के म्यूजिक सुनिए और कुछ प्रेरणादायी गीत सुनिए या कुछ बहुत अच्छे भजन सुनिए, इस टाइप के सॉफ्ट म्यूजिक वाली सुनिए जो आपको और बच्चे को दोनों को सुकून दे। काम करते करते बेबी के साथ बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बात कर सकते हैं, जैसे आप भोजन बना रही है तो आओ बच्चा आज हम कढ़ाई पनीर बना रहे हैं, इसमें क्या क्या लगता है, मतलब आपका बच्चा सारा कुछ सुनता है और सीखता है, तो आप जो भी करें आप उसे बताकर कीजिए, बच्चे को अपनी सारी चीजों में शामिल कीजिए। इससे जैसा होता है ना कि कोई अगर हमको अटेंशन देता है कि चलो आओ यहाँ जाना है या आपने आप प्लीज ये काम कर दीजिए, तो हमें कितना अच्छा लगता है, अगर कोई सम्मान देता है हमें तो वैसे ही हमारा अटेंशन देता है, तो सॉरी सम्मान नहीं अटेंशन देता, वैसे ही जब हम बच्चे को बार बार अटेंशन देते हैं तो बच्चा उतना रिस्पॉन्सिबल होते जाता है और वो उतने अच्छे से उन चीजों को करता है। ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए अगर दिन भर पॉसिबल ना हो तो कैसे, कब गर्भ संवाद करें? देखिए ज्वाइंट ऑफ फैमिली में भी हैं तो आप, ऐसा तो नहीं है कि कुछ समय भी आपको नहीं मिलेगा, आप दोपहर में आराम करने जाएंगे ही तब आप संवाद कर सकते हैं, हार्डली 5 मिनट लगना है आपको संवाद करने के लिए, क्योंकि आपको ये 9 महीने एक लक्ष्य की तरह गुजारने हैं। जैसे किसी को कोई लक्ष्य हासिल करना होता है, जैसे किसी को IAS बनना होता है, तो वो आपको एक्सक्यूज नहीं देगा कि ये कैसे हो, ये मतलब मैं कैसे करूं या क्या करूं, मुझे समय नहीं मिलता है, नहीं, आपके एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, आपका वन वे लक्ष्य है, मुझे सुसंतति का निर्माण करना है और हर परिस्थिति में करना है। अर्थ मंथ में संवाद स्टार्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि 7 मंथ तक कुछ बात स्टार्ट नहीं कर पाई हूँ। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा, बहुत सी माताओं के 8th मंथ वाले भी हम
हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं कि उन्होंने एर्थ मंथ में भी स्टार्ट किया तो भी बच्चे बहुत ही प्रभावशाली हुए हैं। बहुत बहुत सुंदर ढंग से आप बता रही हैं दीदी। हमारे परम आदरणीय गायत्री दीदी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि हमारी और बहनों को उनका मार्गदर्शन मिले, उनके प्रश्नों के उत्तर के द्वारा भी आपका मार्गदर्शन हम चाहते हैं। थैंक जी दीदी, यू। जैसे हमारी बहन ने पूछा कि रात में सोते वक्त कौन सा म्यूजिक सुने, तो देखिए रात में जब आप सोने जाती हैं तो उस समय आपका अचेतन मस्तिष्क धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है और उस बच्चे का भी वैसे ही एक्टिव होता है। तो ऐसे आप लोरियां या ऐसे भजन सुन करके सोइए जैसे शांति कुंज का भजन है, तो उससे क्या होता है कि वो गुण बच्चे के अचेतन मस्तिष्क में बिल्कुल गहरे से जम जाते हैं। तो उस समय ऐसी संगीत सुनने चाहिए। जागते समय भी ऐसे, जैसे कि रात में सोते वक्त विधाता तू हमारा है, या उठते हुए वह शक्ति हमें दो दयाली दे, या बहुत सारे ऐसे संगीत हैं जो गुणवाचक संगीत होते हैं, तो उन संगीतों को सुन करके ही सोना उठना चाहिए ताकि बच्चे में वो गुण अचेतन में बहुत जल्दी समा जाए और आपके अंदर भी समा जाएंगे, तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। और संगीत सुनने के लिए कोशिश ये करिए कि जो अपने प्रज्ञा संगीत हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये शांति कुंज के द्वारा चलाया जा रहा है, और शांति कुंज का कोई संगीत ऐसा नहीं है जिसमें कि गुण को अवधारण करने की क्षमता ना हो। तो जिस समय के जो राग में संगीत है, अब आप देखिए तानसेन राग गाता था तो फिर बारिश होने लगती थी, तो इसी तरह से राग के अनुसार सुबह दोपहर शाम वाले संगीत सुनेंगी तो बच्चे के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो हम निवेदन करते हैं रूपाली जी से कि अपनी सारी गर्भवती माताओं को सुबह दोपहर शाम के जो गायत्री मंत्र के हैं, या जो हमारे महामृत्युंजय मंत्र के हैं, या जो हमारे प्रज्ञा गीत हैं जिसमें कुछ संगीत ऐसे हैं जो भावना उभारते हैं, कुछ ऐसे हैं जो शौर्य और साहस के गीत हैं, तो ये उनको प्रोवाइड करें ताकि वो समय समय पर उस संगीत को सुन सके। मैम, हिंदी इंग्लिश में बात करें तो मराठी में तो बात डेली होती है। क्या मतलब, आप हिंदी में करिए, इंग्लिश में करिए, मराठी में करिए, वो बच्चा आपकी भावना समझेगा, लेकिन अगर जिस लैंग्वेज में आप बात करती हैं तो वो लैंग्वेज भी उसके अंदर इनग्रेव होती है और जब बाद में वो बाहर निकलता है तो उसको बहुत जल्दी सीख जाता है। अब जैसे हमारी एक बहन ने पूछा कि आठवां महीना शुरू हो गया, अब हम क्या करें, तो सातवां आठवां नवा महीना ऐसा होता है जिसमें बच्चा लैंग्वेज सीखता है, उसकी मेमोरी में ज्यादा चीजें इकट्ठा हो जाती हैं, तो वही महीने हैं जिसमें ज्यादा आपको बात करनी है। तो अब तो आप अभी अब देर नहीं हुई है, आप अब बच्चे से आप अगर बातें करेंगी वो सब सीखेगा और सब स्टोर करेगा और कई लैंग्वेज भी सीखने की क्षमता आ जाती है 8वें 9वें महीने में। तो आप जो भी लैंग्वेज सिखाना चाहें वो भी बच्चे को सिखा सकती हैं। मैं गर्भ संवाद करती हूँ पर कभी कभी घर का माहौल खराब रहता है, उस टाइम दिमाग में कुछ ना कुछ निगेटिव आ जाता है, उसके लिए क्या करें? ना बताइए, इसमें क्या है कि नेगेटिविटी को आपको दूर करना है, आपको अपने बच्चे के लिए हमेशा पॉजिटिविटी सोचना है, उसको भूल जाइए, आप सोच लीजिए कि ये हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए हम इसको, आप देखिए जीजा बाई को, जीजा बाई के पति ने दूसरी शादी कर ली और जीजा बाई को भेज दिया महाराष्ट्र, और वो थे कहाँ, वो थे आपके हैदराबाद के निजाम के यहाँ। तो ऐसी भी हालत में जीजाबाई ने नेगेटिविटी नहीं आने दिया, अच्छी सोच रखा, शौर्य और साहस की बातें करती रही और कैसा अच्छा बच्चा पैदा किया शिवाजी जैसा। तो ऐसे आप भी कर सकती हैं, जो आपकी परेशानियां आती हैं परिस्थितियों से तालमेल बिठाइए और प्रसन्न रहिए, ये गुरुदेव का नारा है। तो ऐसे करके आप अपने बच्चे को अच्छी बातें बता सकती हैं। ठीक है, पुंसवन संस्कार कितने बार करना चाहिए? पुंसवन संस्कार तो एक ही बार किया जाता है। पुंसवन क्या कहते हैं उसको, गर्भ संस्कार कहते हैं। गर्भ संस्कार क्यों कहते हैं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने उसमें तीन संस्कारों के
कि विज्ञान तीन संस्कारों का लाभ और तीन संस्कारों के गुण उसमें जोड़ दिए हैं। कौन से? जो एक गर्भ के पूर्व होता है, जो अभी बताया मेघना जी ने 3 महीने पहले, वो किया जाता है गर्भाधान संस्कार। और दूसरा होता है पुंसवन, जो 3rd महीने में और 4th महीने के बीच में किया जाता है। और तीसरा होता है सीमांतोनयन, जो 7वें महीने में। पहले के जमाने में ये पॉसिबल रहा होगा, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने इन तीनों को जोड़ के उसको गर्भ संस्कार नाम दे दिया और तीनों के गुणों को इसमें जोड़ दिया, लाभ को जोड़ दिया। इसलिए आप अगर 3rd महीने में करा लेती हैं तो केवल गर्भ संस्कार करा लेना, कर्मकांड करा लेना ही पूरा नहीं है, बल्कि उसमें जो बातें बताई जाएंगी आपको, उन बातों पर ध्यान दे करके चलने से, इसीलिए आपका प्रशिक्षण हो रहा है कि आप जब गर्भ में बच्चा है तो आप ये व्यायाम प्राणायाम ध्यान करिए, उससे वार्ता करिए, आप कैसा आहार खाइए, ये सब बातें इसीलिए बताई जा रही हैं कि गर्भ संस्कार से ही काम नहीं चलेगा, आपको ये भी करना है। वैसे तो आप चाहे जितनी बार करा लीजिए, लेकिन अगर उस पर चलेंगी नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए गर्भ संस्कार जो है एक बार बहुत है, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप 7वें महीने में भी करा लीजिए, क्योंकि रीत रिवाज अगर नहीं करते तो मन में कुछ खटका बना रहता है, तो वो ना बना रहे आपके अंदर नेगेटिविटी, ना आए अरे ये नहीं कर पाए तो मेरा बच्चा कैसा होगा, वो चीज ना आए। आपको अगर ऐसा है तो आप करा सकती हैं, नहीं तो एक बार काफी। दीदी मेरा 5th मंथ चल रहा है, मेरा टोटल बेड रेस्ट है, तो मैं उठ के भगवान की पूजा, सूर्य को जल चढ़ाना नहीं कर सकती, तो कोई प्रॉब्लम? आपको बेड रेस्ट है तो आप नहाने तो जाती होंगी ना, लैट्रिन बाथरूम तो जाती हैं, तो आपको बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बैठ नहीं सकती। आप अपनी चारपाई पे बैठ सकती हैं, आप जल चढ़ा सकती हैं। यदि डॉक्टर ने किसी कारण से बिल्कुल चलना भी बंद कर दिया है तो फिर आप अपने भावना से करिए, भावना से लेटे लेटे करिए। तो लेटने और बैठने और उठने का ज्यादा महत्व से ज्यादा महत्व भावनाओं का है। आप जैसी भावना से आप काम करेंगी वैसा ही उस बच्चे के अंदर भावना डेवलप होगी। ये फिजिकल पहले मंथ में थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग 20 दिनों तक हुआ, इससे खतरा तो नहीं होगा? पहले महीने में ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी बहुत हो रही है तो फिर डॉक्टर को दिखाइए और वो इलाज कराइए अपना, उसमें शायद वो बेड रेस्ट एडवाइस करेंगी, तो बेड रेस्ट भी करिए। और खतरा क्यों बनेगा, आप भगवान को ध्यान करिए और उस बच्चे से भी वार्ता करिए, अब आ गया है पेट में, कि हम तो आपको अपने अंदर रखना चाहते हैं, आप बाहर नहीं आ सकते हैं, चलिए अब भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, और आपका ग्रोथ जो है बराबर होती रहेगी शारीरिक मानसिक। तो इस कारण से जो है हो सकता है आध्यात्मिक उपचार से आपका बच्चा रुक जाए, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि खतरा ही होगा, रुक भी सकता है। आप इलाज करती रहिए और जो रेस्ट बताया है वो करती रहिए, और हमेशा अपने मन में पॉजिटिविटी रखिए कि नहीं ये अच्छा होगा, कोई भी इसके अंदर दुर्गुण नहीं आएंगे, ना शारीरिक ना मानसिक। आप अगर इतनी पॉजिटिविटी रखेंगी तो जरूर जो है वो बच्चा अच्छा पैदा होगा। क्या हम मोबाइल से बच्चे को कहानी सुना सकते हैं? मोबाइल से देखिए, मोबाइल एक तो कम से कम देखना है, आपको गैजेट्स के बारे में बताया था ना कि मोबाइल तो आपको बहुत कम, और मोबाइल का इस्तेमाल आप करेंगी तो उस बच्चे के जो मस्तिष्क है उसके अंदर 75% पेनिट्रेशन होगा और वो बच्चे का दिमाग कम हो सकता है। इसलिए और दूसरी बात, मोबाइल से भावना नहीं जाएगी, आपकी भावनाएं उस कहानी के माध्यम से बच्चे को जाती हैं। अब एक कहानी, आप जो आपका सामने का बच्चा है मान लीजिए 3-4 साल का, और आप ऐसे चला दीजिए वो बच्चा कभी नहीं बैठेगा, और जब आप सुनाने लगेंगी, थोड़ा एक्शन करेंगी, थोड़ी आपकी भाव दिखेंगे तो बच्चा उसको देखेगा। अभी देखो मेघना जी कितना अच्छे से अपने भाव को दिखा रही थी, उनके भाव से पता ही नहीं लगा कैसे 1 घंटा निकल गया। तो आपकी भावना नहीं जाएगी तो फिर बच्चे के अंदर गुण कैसे डेवलप होंगी? मोबाइल तो एक मैकेनिकल चीज हो गई, रोबोट हो गया, तो रोबोट से कैसे काम चलेगा?
मैम मेरा 9 मंथ पूरा हो गया है, लेबर पेन नहीं आ रहा है, बच्चे का वेट 3.50 kg का है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी क्या? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, अगर एवरीथिंग इज नॉर्मल, बिल्कुल आप बच्चे से वार्ता करना शुरू कर दीजिए। कल आपको अपान मुद्रा बताई गई थी, वो अपान मुद्रा रोज लगाइए, उससे क्या है बच्चा बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और दूसरी बात, आप बच्चे से वार्ता करिए, अब समय पूरा हो गया है, डॉक्टर कह रही हैं कि आपको बाहर आना है, तो आप जल्दी बाहर आइए, अपना कोशिश करिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर कोशिश कर रही है, तो जल्दी से जल्दी वो बच्चा भी एक्टिवेट होगा और उसके अंदर से वो हॉर्मोन्स कहते हैं निकलता है जो कि कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाता है, तो बच्चा आपका पैदा हो जाएगा। कोशिश करिए, और नॉर्मल बच्चा क्यों नहीं होएगा, आप ऐसे वार्ता करके देखिए। तो अगर अगर आपकी हड्डी ठीक है, बच्चे का सर ठीक है, अपनी पोजीशन पे है, तो जरूर आपका बच्चा नॉर्मल होगा। रोज उससे वार्ता करिए और बातें करके उसको नीचे आने के लिए बोलिए। पर्टिकुलर टाइम पे ही बात करनी चाहिए या कभी भी? कभी भी, सुबह से शाम तक चाहे जब तक बात करिए, रात में सोते वक्त, अब चलो सोते हैं, और सोने से कहते हैं कि भगवान से हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, फिर से एनर्जेटिक कर देती है, फिर से ऊर्जावान होकर कल उठेंगे और फिर अच्छी अच्छी बातें तुमको सुनाएंगे। तो हर समय बात कर सकती हैं, लेकिन स्पेशली जैसे मेघना जी ने बताया कि कहानी सुनानी है आपको, कोई स्पेशल और बात करनी है, तो उसके लिए 4 घंटे टाइम आपको निकालना है। जैसे हर चीज का टाइम निकालती हैं, कम से कम 4 घंटे बच्चे को अच्छा ऐसे वार्ता करनी आपको चाहिए। और ये इम्पोर्टेंस जो है आपको घर वालों को भी पता होना चाहिए, इसलिए ये जो आपके क्लासेस चल रहे हैं, आपके पति, आपके घर के प्राणी सबको सुनना चाहिए, ताकि वो इसमें आपको सहयोग कर सके। इसमें कुछ लोगों का मैसेज है, दीदी इस ग्रुप में ऐड होने के लिए कैसे ऐड हो सकते हैं? आपको YouTube में ऐड कराएंगे जी, कैसे? और अगर वो, अगर वो आपके ग्रुप में, अगर वो प्रेग्नेंट हैं और गर्भवती माता के ग्रुप में ऐड होना चाहती हैं, तो उसमें कराइए। YouTube बता दीजिए, YouTube में देख सकती हैं, तो जहाँ की हैं वहाँ के अगर हैं तो। यदि आपको किसी यहाँ लोकल में कार्यकर्ता के थ्रू लिंक मिली है जिनके थ्रू, तो उनके थ्रू आप अपना नंबर भेज दीजिए, हम आपको ऐड भी कर देंगे यहाँ के ग्रुप में। दीदी जी वैसे लगभग प्रश्न तो सारे हो गए हैं। वो किसी ने पूछा है कि क्या हम सिलाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ, कर सकते हम हैं। सिलाई कर सकते हैं जी, तो सिलाई कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपका जितना कंसंट्रेशन सिलाई में लगेगा, तो आपके बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वो टेलर बन जाएगा, वो किसी और दिशा में भी अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकता है। तो इससे क्या है, आपके बच्चे की कंसंट्रेशन की क्षमता बढ़ती है। आदरणीय रितु दीदी ने बहुत अच्छी लिंक शेयर की है साहित्यों की स्वाध्याय के लिए, तो सब लोग उस लिंक को जरूर कॉपी पेस्ट कर लें, उसमें बहुत अच्छी किताबें स्वाध्याय के लिए आपको उपलब्ध है ऑनलाइन। दीदी जी क्वेश्चंस तो हो गए हैं ऐसा लग रहा है मुझे। गर्भ संवाद मुझसे, अच्छा ये लिंक कह दीजिए, कॉपी कर लें जी। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये लिंक कॉपी कर लीजिए, इससे आप बुक्स पढ़ सकती। और ये हमारी गर्भवती माताओं से विशेष निवेदन है कि हमारी भावी पीढ़ी और नौ निर्माण, ये वांग्मय 63 है, और इस वांग्मय को आप अपने, जिस दिन आपका गर्भ संस्कार होगा उसको आप अपने पास सामने रखिएगा, और आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी भाग एक पुस्तक, ये दो पुस्तकें आपको जैसे लोग गिफ्ट देते हैं, वो समझ लीजिएगा कि शांति कुंज की तरफ से उनके परम पूज्य गुरुदेव के विचार आपके बच्चे को अच्छा बनाने के लिए ये आपको गिफ्ट रूप में मिल रहे हैं। तो ये दोनों आप जहाँ की गर्भवती माताएं हैं अपने शक्तिपीठ से, या जहाँ आपके कार्यकर्ता भाई लोग बहने हैं वहां से आप लेकर के उस दिन जरूर अपने सामने रखिएगा, और ये गिफ्ट के रूप में आप स्वीकार करिएगा उसको। जितनी भी क्लासेस हैं, कुछ लोगों ने पूछा है कहाँ मिलेगी, तो यही चैट बॉक्स में हम लोगों ने नाम लिखा है गर्भ संस्कार गैलरी CG यूट्यूब लिंक है, इसमें हमारी पिछली सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी।
क्वेश्चंस हो गए हैं दीदी जी। बहुत अच्छा मेघना जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आशा है सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। बस अब आपको उसको धारण करना है, उस पे चलना है और गर्भ संवाद से ही आप अपने बच्चे के अंदर तमाम सारे गुणों का विकास कर सकती हैं। तो कोशिश करिएगा कि अच्छी अच्छी कहानियां सुनाइएगा, अच्छे अच्छे संगीत सुनाइएगा, अपनी दिनचर्या नॉर्मल रखिएगा। यदि आप 7-8 बजे सो के उठेंगी तो बच्चा भी स्कूल जाएगा, आप उठाती रहेंगी, आंख मलता रहेगा, जाएगा नहीं, रोएगा। और अगर आप जल्दी उठेंगी, संगीत के द्वारा उठाएंगी, तो आपका बच्चा जल्दी उठेगा, संगीत के माध्यम चलाते ही उठने लगेगा, करवटें बदलने लगेगा। तो इस तरह से संगीत के माध्यम से आपने जो 9 दिन तपस्या की है वो जीवन भर की तपस्या को चौथाई कर देता है। तो हमारी बहनों ने इसको सुना होगा, अमल करें। और मेघना को बहुत बहुत परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी का आशीर्वाद मिले कि वो इस बात को जन जन तक पहुंचाने में अपना बहुत अच्छी भावना से जो बताती हैं उसको बता करके और जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुंचे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय